दोस्तों, मैं हूँ राशन चैनल मास्टरमाइंड यूट्यूब। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कौन है बेस्ट रेशियन समत एंटा या जोल के लिए लुना ना पकमो सन एंड मून या पकमो स्वर्ड एंड शील्ड। जो ये बेस्ट है ना वही बहुत पावरफुल हो सकता है। देख लेते हैं कौन ज़्यादा ताकतवर है और कौन ज़्यादा बेस्ट है। हम ट्राई करेंगे कि ये अपना बेस्ट है इस वीडियो में, और हमारा पहला वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर। आप मेरी पहली बार आवाज़ सुन रहे होगे। अगर आपने मेरी हमारी और कोलैबोरेशन वीडियो नहीं देखी है तो जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो बाकी सब दोस्तों के आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर फ्रेंड्स आपने पकवान स्वर्ण शील या पकवान सन का एक एपिसोड भी देखा होगा ना, तो आपको पता होगा कि उनके लीडर पकवान कौन है। सन का सोलगेलो और लुनाना है, और जो स्वर्ण शील है उसने जैशाना ज़्यादा घंटा है, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन थे। इनसे चार ही पावरफुल है, पर कौन बेस्ट है ये पता कर रहे हैं ना। तो राउंड से कुछ और राउंड के बारे में बताने वाला हूँ, आगे चलिए देखते हैं। अगर राउंड फर्स्ट होगा स्टैट्स का, राउंड सेकंड टाइप एडवांटेज का, और राउंड थर्ड होगा पावर का। तो फिर देखते हैं कि कौन ज़्यादा बेस्ट है, और तीनों राउंड में जो जीत जाएगा, मतलब तीनों में से दो राउंड में जो जीत जाएगा ना वही बेस्ट होगा। सो फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे राउंड फर्स्ट की तरफ और देखते हैं कि कौन जीतता है इसमें। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सोलगेलो और लुनाना के स्टैट्स के बारे में। फ्रेंड्स, सोलगेलो और लुनाना के जो स्टैट्स है ना बहुत ज़्यादा है, 680। देखते हैं कि स्टेशन ऑफ ज़बर घंटा के स्टेट्स क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं स्टेशन ऑफ ज़बर घंटा के स्टेट्स के बारे में। स्टेशन ऑफ ज़बर घंटा के स्टेट्स 720, तो बहुत ही ज़्यादा है यार। मतलब यार सोलगेलो लुनाना तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, बहुत कमजोर है उनके सामने। आज स्टेशन ऑफ ज़बर घंटा ये राउंड जीत चुके हैं यार। देखते हैं अगले राउंड की तरफ बढ़ते हैं। अगर फ्रेंड्स हम सोलगेलो लुनाना की बात करें तो सोलगेलो का टाइप है स्टील और साइकिक टाइप, और जो लुनाना टाइप है वो है घोस्ट और फ्लाइंग टाइप। तो बहुत ज़्यादा अच्छे टाइप से, और ये बहुत ज़्यादा पोकेमोन के खिलाफ ताकतवर भी है। अगर हम जेशन और ज़बर घंटा की बात करें तो फ्रेंड्स जेशन का टाइप है वो है फेरी और स्टील टाइप, और जो ज़बर घंटा की बात करें तो उसके जो टाइप है ना वो है फाइटिंग और स्टील टाइप। भी बहुत अच्छा टाइप है, और हम देखते हैं कि बस कौन जीतता है इन दोनों में से। तो हम देखते टाइप फाइटिंग करके देखते जो टाइप उसके ज़्यादा पावरफुल होगा वही जीतेगा। फ्रेंड्स, मैंने बल्बोपीडिया और पोकेमॉन डाटाबेस पर चेक किया, तो फिर मुझे पता चला कि वैसे अब नॉर्मल है, कोई भी किसी के खिलाफ पावरफुल नहीं है, और टाइप एडवांटेज में तो बिल्कुल भी नहीं यार। अगर आपको कुछ ओपिनियन है तो ज़रा कमेंट में बताना। फिर क्योंकि मैंने इतना कुछ चेक नहीं किया, पर मुझे लगता है कि फिर नॉर्मल ही है। मतलब दोनों का बीच में ये मैच ड्रॉ हो चुका है, मतलब दूसरा मैच जो है आखिरी मैच तय करेगा कौन ज़्यादा पावरफुल है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं राउंड थ्री की, जो है पावर। फ्रेंड्स, पावर के बारे में तो 99.9% लोगों को पता होगा कि किन की पावर ज़्यादा है। फ्रेंड्स, सबको पता है जेशन ऑफ ज़बर घंटा की। सब पूरे पॉकेट जितना चेक कर लिया होगा, उन्होंने पूरे राउंड में बता दिया है कि किसी पावर ज़्यादा है। जेशन ऑफ ज़बर घंटा ही जीतने वाले थे, अगर वही जीत गए दोनों राउंड के साथ। तो हमने कहा था फ्रेंड्स विनर इज जेशन ऑफ ज़बर घंटा। फ्रेंड्स, चलो अब वीडियो को खत्म करते हैं। तो उससे ज़्यादा बाय, सी यू।